बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। सरवत किचन में आप सब की दावत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन गोला कबाब, तो चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मटन गोला कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम मटन का कीमा, दो प्याज जिसे मैंने फ्राई कर लिया है, गोल्डन फ्राई किया है मैंने, दो मोटी वाली हरी मिर्च, आप इसकी जगह पे नॉर्मल हरी मिर्च भी ले सकते हैं, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून रोस्टेड चना पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टी स्पून नमक, नींबू, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो सबसे पहले हम लेंगे एक ब्लेंडर जार और इसमें हम डाल देंगे मटन का कीमा। तो अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च, इसे हम तोड़कर इस तरह से इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और चाट मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कॉर्नफ्लावर, रोस्टेड चना पाउडर, 2 टीस्पून नींबू का रस, फ्राइड अनियन, 1 टेबल स्पून घी डालेंगे इसमें, आप घी की जगह पे बटर भी डाल सकते हैं। अब इन सबको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे गोले कबाब का मिक्सचर तैयार है। तो मैंने ब्लेंडर जार में लिया आप लोगों को दिखाने के लिए, फिर मैंने इसे ग्राइंडर जार में शिफ्ट कर दिया। अगर आपके पास चॉपर हो तो वो बेस्ट रहेगा इसके लिए, आप चॉपर में इसे चॉप कर लें, और अगर आपके पास चॉपर नहीं हो तो आप ग्राइंडर जार में भी इसे कर सकते हैं। इस तरह से ये सारा आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो अब मैंने ले लिया एक फ्राई पैन और इसमें हम ये गोला कबाब का मिक्सचर निकाल लेंगे। मैंने गोला कबाब के मिक्सचर को एक फ्राई पैन में निकाल लिया है, अब इसे हम थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर देंगे आपस में। आप चाहें तो ये आप हाथों से भी कर सकते हैं। अब इस तरह से इसके बीच में हम स्पेस बनाएंगे। जब इसे हम चॉप कर रहे थे उस वक्त ही मैंने कोयले को जलने के लिए रख दिया था, तो अब हमारा कोयला भी तैयार है। तो इस तरह से हम इसमें बीच में स्पेस बना लेंगे। अब इसके बीच में हम रख देंगे स्टील की कटोरी, और मैंने इस तरह से फॉइल पेपर से एक कटोरी तैयार कर ली है। अब इसके ऊपर हम रख देंगे जला हुआ कोयला और इसमें हम डाल देंगे हाफ टी स्पून घी और इसे कवर कर देंगे। तो 3 से 4 मिनट के बाद इसे हम खोल लेंगे और इसकी कटोरी हम बाहर निकाल लेंगे। और अब इसका हम तैयार करेंगे गोला कबाब। तो अब इसे हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से देखिए इस तरह से मैंने इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया। तो अब इस तरह से आप कोई सीख ले ले या पेंसिल या जो स्ट्रॉ आता है वो भी आप ले सकते हैं, और इसमें आप एक बॉल्स को लेकर इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाह।
इस तरह से, और हाथों से ही ऐसे ऐसे चारों तरफ से प्रेस करेंगे थोड़ा सा, बस शेप बनाना है गोला कबाब का। इस तरह से, और अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से तो ये शेप हो गया है गोला कबाब का। इसी तरह से हम सारे बॉल्स को कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब लेंगे हम एक फ्राई पैन और इसमें हम डालेंगे तेल। तो ये देखिए इस तरह से मेरा कबाब तैयार है। अब इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। इसे अभी मैंने मीडियम हीट किया है और अब इसका फ्लेम हम लो कर देंगे और इसमें हम अपने कबाब डालते जाएंगे। बस 1 से 2 मिनट और लगेंगे और कबाब हमारा तैयार है। तो ये देखिए हम चेक करते जाएंगे, और जिस कबाब को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो तैयार हो गया है तो उसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए दूसरे बैचेस का भी कुछ कबाब हमारा तैयार हो गया है, तो इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो बस अब हमारा कबाब तैयार है, अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा मटन गोला कबाब। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू।